So hi everyone, welcome back to another video. And in this video, we are going to discuss about whether you should come to Canada in 2024 or not. So Canadian government ने recently कुछ changes करे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों के future पे उस चीज़ का impact होगा. तो उन changes की बात करेंगे इस video में, और उसके बाद cover करेंगे कि exact अब cost increase कितनी हो गई है. जैसे जब मैं 2021 में आया था तो मेरा approx खर्चा हुआ था 15 to 17 lakhs. बट अब वो जो कॉस्ट है इंक्रीज़ होकर वो कितनी एक्सीड हो चुकी है एट प्रेजेंट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किए हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूचर है जो ऑलरेडी कनाडा में उनका फ्यूचर अनसर्टेन हो गया. सो लेट्स डिस्कस जो न्यू कमर सोच रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं कनाडा में आने के बाद. सो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में. सो 1 सितंबर 2024 से कैनेडियन गवर्नमेंट एक रूल इंप्लीमेंट करने वाली है. सो बेसिकली पहले क्या होता था, कनाडा में सपोज 1000 कॉलेजेस हैं. सो उन कॉलेजेस का क्या था, दे वर अप्रूव फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. सो दे वर कॉल्ड, दोस स्मॉल कॉलेजेस वर कॉल्ड एज DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस, मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस. सो दैट मीन्स दे वर एफिलेटेड टू सम यूनिवर्सिटी. सपोज माई कॉलेज वॉज कैनेडोर कॉलेज. सो जब मैंने कैनेडोर कॉलेज से 2 साल की पढ़ाई करी, उसके बाद आई विल गेट अ वर्क परमिट ऑफ 3 ईयर्स. द इशू वॉज कि जो मेरा कॉलेज था दैट वॉज जस्ट अप्रूव्ड बाई स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब दे वर एसोसिएटेड विद स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी. सो वट कैनेडियन गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ, दे आर जस्ट बैनिंग ऑल द कॉलेजेस. सपोज कैनेडोर हो गया या फिर ऐसे जितने भी सिमिलर कॉलेजेस हैं, दे आर जस्ट बैनिंग सिमिलर कॉलेजेस जो अप्रूव्ड थे किसी यूनिवर्सिटी से, एसोसिएटेड थे, दैट दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. सो वट कैनेडियन गवर्नमेंट इज सेइंग, डायरेक्टली गो टू यूनिवर्सिटी लाइक यॉर्क यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्गोमा यूनिवर्सिटी. आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो और आपको इन कॉलेजेस से पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम आपको वर्क परमिट नहीं देंगे अगर आप इन कॉलेजेस से पढ़ रहे हो. सो ये बेसिकली इंप्लीमेंट इसलिए किया जा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट बिलीव्स के जो उन कॉलेजेस में पढ़ाई का जो क्वालिटी है दैट इज़ नॉट वॉट इज लाइक नीडेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट. सो बेसिकली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, क्लासेज ऑनलाइन है, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था. तो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड तो था कॉलेज, बट यूनिवर्सिटी के कोई भी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे थे उस कॉलेज में, जिसकी वजह से वो सारे कॉलेजेस बैन हो चुके हैं. सो जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कॉलेजेस बैन करे हैं उसकी वजह से एक और नुकसान जो स्टूडेंट्स का होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी, पहले आपके सपोज $15,000 लगते थे कॉलेज में एडमिशन लेने में, दैट इज़ इक्वलन टू 9 lakh rupees. नाउ एज यूजल आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे एंड यू विल बी टेकिंग एन एडमिशन इन ए यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी की फीस है एक साल की दैट इज़ अप्रॉक्स $20,000. जहाँ पर आप 9 lakhs पे कर रहे थे एक कॉलेज में एडमिशन लेने के, नाउ यू हैव टू पे 12 lakhs फॉर यूनिवर्सिटी. तो 3 lakh सीधा गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंक्रीज कर दिए. देन इफ वी टॉक अबाउट दी अदर अपडेट, दैट इज 1 जनवरी 2024 से पहले जितनी भी GIC थी इंटरनेशनल स्टूडेंट को बेयर करनी थी, दैट वॉज अराउंड $10,300. एंड अब 1 जनवरी 2024 के बाद वो सेम अमाउंट $20,600 हो गया. सो ऑलमोस्ट $10,000, मतलब 6 lakh गवर्नमेंट ने वहाँ पर भी इंक्रीज कर दिए. तो अभी तक 9 lakh का इंक्रीमेंट डायरेक्ट आ चुका है. आपको अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी 9 lakh कॉस्ट एक्स्ट्रा जाएगी ऑब्वियसली. एंड देन द थर्ड अपडेट है, जो भी CRS स्कोर चल रहे हैं दैट इज़ वे टू हाई देन यूजुअल. तो अभी से पहले क्या था, 340, 350 या फिर 500 से कम के ड्रॉज आते थे एंड इट वॉज रियली ईजी टू गेट अ PR कार्ड. बट नाउ द CRS स्कोर जो एक कैलकुलेट हो रहे हैं दैट इज़ अराउंड 550, 540, which is next to impossible for a graduate or post graduate with holding 2 years experience in India or any other country and then working here as well. तो जो CRS scores हैं वो इस time काफ़ी ज़्यादा impossible वाले CRS scores चल रहे हैं अभी Canada में. अगर आप website पर जाके भी देखोगे तो 540-550 criteria CRS का कोई भी meet नहीं कर सकता, तो अभी scores भी बहुत हाई चल रहे हैं. तो ये हो गए हमारे 3 basic changes जो अभी Canada में चल रहे हैं. उसके बाद अब हम discuss करते हैं कि आपकी cost of study क्या आने वाली है Canada में, if you are preferring to study in Canada in 2024. Obviously if you are coming to Canada you will be going to a university जहाँ पर हमें DLI approved हो और हमें work permit मिले. सो आगे की करते हैं अब कॉस्ट कवर के, आपकी अप्रॉक्स कॉस्ट क्या आने वाली है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टडी परमिट एप्लीकेशन, तो सबसे पहला खर्चा आएगा, हमें एप्लीकेशन फीस पे करनी है अप्रॉक्स. इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग इन 2 colleges और यूनिवर्सिटीज विच आर अप्रूव्ड, यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड $200 ऑन एप्लीकेशन फीस. देन मूविंग ऑन, यू विल बी नीडिंग योर IELTS एग्जाम, दैट इज अगेन $300. देन द नेक्स्ट एक्सपेंस इज गोइंग टू बी मेडिकल, अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम, दैट इज अगेन गोइंग टू बी $100. तो अभी मैं डॉलर्स में सारे खर्चे बता रहा हूँ, वीडियो क्लास में उसको कन्वर्ट करके एग्जैक्ट कॉस्ट दिखाते हैं कि क्या आती है. तो IELTS में आपके $300 चले गए.
देन हमारा नेक्स्ट खर्चा आता है जब आपका सारा कंप्लीट हो गया, देन यू हैव टू पे फॉर योर GIC. GIC विल बी $20,600. देन उसके बाद हमारा खर्चा आएगा, आपको कॉलेज की फीस पे ऑफ करनी है. तो आप एक साल की फीस पे करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी $20,000 अप्रॉक्स, बता रहा हूँ. इससे ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी सी नीचे, बाकी ज़्यादा ऊपर रहने के चांसेस हैं. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेंस, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और ये फीस वगैरह सबमिट होगी, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा. वीज़ा की फीस है आपके $250. सो देन योर नेक्स्ट एक्सपेंस इज गोइंग टू बी फॉर योर शॉपिंग. शॉपिंग अभी इंक्लूड सूट केसेज एंड देन योर पर्सनल स्टफ. लेट्स कंसिडर इट टू बी $200 योर पर्सनल शॉपिंग. एंड देन मूविंग ऑन, यू विल बी बुकिंग अ फ्लाइट टिकट. और अभी फ्लाइट के जो चार्जेस हैं, आप चाहे एक महीना पहले करवाओ या दो महीने पहले या फिर ऑन द स्पॉट, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड $1,500. एंड फाइनली वेन यू लैंड इन कैनेडा, ऑब्वियसली यू नीड फर्स्ट एंड लास्ट मंथ रेंट. इट विल बी अगेन अराउंड $1,000 एंड यू विल बी ब्रिंगिंग सम कैश एंड फॉर ग्रोसरी स्टफ एंड एवरीथिंग. सो इवन इफ यू आर गेटिंग 500 कैश अलॉन्ग विद यू, स्टिल योर मिसलेनियस एक्सपेंसिस विल बी 1500. So if we sum up all these expenses, it is going to be approx $45,000. And if we convert these $45,000 into Indian rupees, it is going to be around 27 lakh rupees. So just make sure and rethink if you are planning to come to Canada in 2024, that is it worth it enough to spend 27 lakh rupees on this uncertainty. बिकॉज अभी एक और अपडेट जो मैंने अभी वीडियो में डिस्कस नहीं किया, दैट इज़ कैनेडियन गवर्नमेंट ने है 35% रिड्यूस कर दी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी, जिसका मतलब ये है पहले 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, सो एक्सेप्टेंस रेट वॉज अराउंड 60-65. सो 35 की ऑटोमेटिक विदाउट एनी रीजन रिजेक्ट होती थी एप्लीकेशन स्टडी परमिट की. अब उस 65% में से भी कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम 35% और रिड्यूस करने वाले हैं. सो इसका क्लियरली इंडिकेशन है दैट दे डोंट वांट मोर ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कैनेडा, क्योंकि उन्होंने GIC बढ़ा दी, देन CRS स्कोर्स इंक्रीज कर दिए, उसके बाद कॉलेजेस बैन कर दिए, और उसके बाद स्टडी परमिट एक्सेप्टेंस रेट कम कर दिया. सो जो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये एक्यूमुलेट होकर यही डायरेक्शन देते हैं दैट कैनेडियन गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कैनेडा, क्योंकि एट प्रेजेंट जो कैनेडियन इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं फंबल कर रही है, बिकॉज देर आर नो जॉब्स इन द मार्केट. पहली प्रेफरेंस सिटीजन्स को जाती है, देन PR होल्डर्स को, देन वर्क परमिट होल्डर्स को, उसके बाद अगर कोई जॉब रहेगी वो स्टूडेंट को जाके मिलेगी. सो इस टाइम जो मार्केट है दैट इज़ वेरी अनसर्टेन इन कैनेडा, एंड आई डोंट नो इफ़ यू शुड प्रेफर कमिंग टू कैनेडा, बिकॉज इन्वेस्टिंग 27 लाख्स फॉर कैनेडा एंड देर आर नो गारंटीज ऑफ रिटर्न एट दिस टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ऑल अगेंस्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम. सो जस्ट थिंक वाइजली बिफोर कमिंग टू कैनेडा एंड चूज वाइजली योर कॉलेज एंड योर एवरी थिंग. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. और अगर वीडियो अच्छी लगी जस्ट मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एज वेल. वट यू ऑल कैन डू इज गो टू माई यूट्यूब चैनल टू वॉच आउट द अदर रिलेटेड कंटेंट एज वेल. बाकी अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंसर्न हो, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तुम वापस चले जाओ. बस तुम्हें देख लिया, अब तुम चले जाओ. चाहो तुम जाओ प्लीज.